आगे राइट हैंड पे, पीछे डाकिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आ गया हूँ मैं कोई न्यू वीडियो के साथ। तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से तीसरा रोज़ा मुबारक हो। तीसरी इफ्तारी तो हो गई है, मैं वीडियो लेट डाल रहा हूँ इस वजह से। तो गाइज हम खेल रहे थे ट्राइवर से स्क्वाड, ये हमारे ओपी स्लेट बहुत अच्छे, मतलब पुराने दोस्त हैं, पबजी से ही दोस्त बने थे। तो हम जॉर्जो जा रहे थे, जॉर्जो ही हॉट ड्रॉप बना था और हमारी पिंग इस वक्त 250-300 आ रही थी, जिसकी वजह से हमारी लैंडिंग में थोड़ा सा मसला हो गया। तो अब जाओ जाके पहले वीडियो को लाइक करो, वीडियो लाइक करके आओ, फिर आपको गेम प्ले का बताते हैं। तो भाई हम यहाँ पे उतरे, तो यहाँ पे एक लौंडा हमारे साथ और उतरा था, लेकिन हमारी किस्मत इस बार थोड़ी साथ दे गई कि भाई उस लौंडे को भी गन नहीं मिली, उसको सिर्फ कट्टा मिला था। तो हम कंटेनर पर जैसे ही चढ़े भाई साहब वो नीचे कूद गए, तो हमें मिल गई थी डेजर्ट ईगल। तो ये भाई साहब मेरे ख्याल से ना साउंड वगैरह सही जज नहीं करा इन्होंने, क्या मतलब उतरे फिर ऊपर चढ़ रहे। भाई तुम तीन लौंडों के बीच में आ गए हो, तीन में से एक को तो गन मिल ही जाएगी, तो ऐसे कैसे भाई ऐसे नहीं करते हैं। तो उसके बाद भाई हम यहाँ पे आए, यहाँ पे हमारे कोई बोर्ड भैया थे, तो एक स्क्वाड उतरा था, हमारे अलावा तीन बंदे और थे, ये सोलो अलग था और तीन लौंडे और थे। तो यहाँ पे बोट ने हमें काफ़ी अच्छी लूट दे दी, मतलब M4 वगैरह, और इसकी ज़्यादा इतनी ज़्यादा बुलेट हो गई थी। तो जैसे ही हमें यहाँ से गन वगैरह मिलती है, तो वहाँ से उस स्क्वाड ने हमारे भैया को कर दिया था नॉक। तो फिर हम लगाते हैं दुड़की, दुड़की लगा के सीधा जाते हैं उनके पास कि उनके ऊपर पुश वगैरह तो नहीं हो रहा। तो वो भी यार कोई इतने ठंडे माठे ही थे, मतलब वो एग्रेसिव प्लेयर नहीं थे हमारी तरह। अगर हमें कैसे एक नॉक करते हैं, हम जाते हैं डायरेक्ट पुश करने, और ख़ास तौर पे कंटेनर्स हो तो उस पर पुश करना बनता ही है। तो जब हम यहाँ पे आए तो हमें हमारा टीममेट बोलता राइट से आ रहा, राइट से, लेकिन बरल वो कोई नहीं आ रहा था, वो सारे कैंपिंग करके बैठे हुए थे वहाँ पर। तो हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कि भाई कोई आ रहा है नहीं आ रहा, लेकिन कोई लौंडा नहीं आ रहा होता। तो उसके बाद हम आगे की तरफ जाते हैं, रुख अपना आगे की तरफ जाते हैं, और यहाँ पर इतना कोई प्यारे शॉट मारूंगा, मतलब एसके ऐसे इतना कोई प्यारा शॉट मारूंगा इतनी दूर से, आयरन साइड एसके का, वो भी रनिंग आयरन साइड में भाग रहा हूँ अभी। आप देखना काफ़ी, मतलब ना एक दिल को बड़ी खुशी होती है जब ऐसे कभी कभार शॉट या क्लच वगैरह लगते हैं ना, तो फिर कहते हैं ना दिल में फीलिंग आती है कि लगता है अपुन जी भगवान है। यहाँ पे मैं फुदक फुदक के देख रहे थे कि भाई लौंडे है कहाँ। तो उतनी देर में हमें यहाँ पे एसके मिलती है, मैं गन चेंज कर लेता हूँ क्योंकि बुलेट थोड़ी सी हमारे पास कम थी। तो हम यहाँ से भाई जैसे ही जा रहे होते टीपी, तो भाई ये देखो पहले उसको एक बॉडी लगती है, फिर दूसरा हेड लगता है, और भाई साहब वो हो जाते हैं नॉक। तो यहाँ पे ना फिर मुझे बड़ी खुशी हुई। तो उसके बाद हम रिवाइव वगैरह देते हैं, रिवाइव वगैरह देने के बाद फिर हम यहाँ से रवाना होते हैं आगे, क्योंकि इसके दो बंदे और होते हैं, हमें पता नहीं होता कितने, लेकिन हमें इतना आइडिया था कि एक स्क्वाड उतरा है इस तरफ। तो हम यहाँ पे आके उछल के देखते हैं भाई किधर है लौंडा। तो हमें वो दिखता है भाई, इसको रिवाइव देने जा रहा था, लेकिन वो भाई साहब वापसी पीछे की तरफ आ गए। तो वे बिल्कुल हमारे सामने वाले कंटेनर्स पे थे, मतलब ये बिल्कुल यहाँ पे टीपी भी लेके खड़े थे। तो अभी यहाँ पे हम इनको पहलेंगे, आप जरा देखो कंटेनर में, कंटेनर हाँ कंटेनर में, राइट वाले, लेफ्ट वाले, सॉरी, एक बंदा पीछे से आ रहा है। तो ये तो भाई दो ही थे, दूसरा तो हमने पता नहीं किसका किल चुरा लिया, डैमेज काफी पीछे से मिल गया था, लेकिन हमारी लास्ट बुलेट लगी और वो भाई साहब हो गए नौ। पर फिर यहाँ पे हमें लूट वगैरह मिली, मतलब इतनी कोई VIP, मज़ा आ गया, मज़ा होता है ना मज़ा। तो उसके बाद ना यहाँ पे एक लौंडा था, दो लौंडे थे मेरे ख्याल से, एक तो पता नहीं एक या दो लौंडा था, एक तो इधर क्रेन के ऊपर होगा और जो दूसरा होगा एक वो बाद में आएगी मेरे ख्याल से, लड़की थी वो शायद। ऊपर चला गया, ऊपर जा रहा है, ऊपर मार दिया, जीवा नॉक हुआ, ये उधर से आया सिटी से। तो इसको मारते हैं, उसके बाद एक बोर्ड भैया आ जाते हैं भाई तंग करने, क्योंकि
बॉट भैया ऐसे ही मौकों पे आते हैं। पबजी वालों को भी नहीं, पता मुझे लग नहीं रहा है किस दस तरह हजार का की अच्छे से ठीक चिरांद है उनके अंदर, है। कैसे मतलब एक क्या उनके लिए कुछ शब्द होते हैं ना, वो क्या मैं बोलूँ कि अगर आपकी किसी से फाइट हो रही होगी ना, मतलब कि आप ऐसी सोया सिचुएशन में हो, आपने कभी फ्लैंक मारा हो, आप लोकेशन अपनी नहीं देने चाहते हो, तब वहाँ पे मैं तो लाजमी भाग गया बोर्ड भाई, आएगा। मैं तो बिल्कुल सच तो इनको में। मारने के बाद भाई हम निकल गए और यहाँ पे आते हैं पोचिंग की के स्क्वाड हाउस, और यहाँ पे एक गाड़ी आती है पहले हमारे बिल्कुल पास से, तो वो गाड़ी तो जाके आगे रुक जाती है, निकल गया और भाई, यहाँ पे आके भी हमारी थोड़ी फाइट कर फाइट रहा हूँ होगी। मैं। मतलब एक स्क्वाड जो था वो गाड़ी रुक गई थी यहाँ पे, और यहाँ पे पहले ही दो बंदे मौजूद थे, तो यहाँ पे अभी फाइट होगी, अभी आप देखना। रुके होंगे ये लोग, ये कैसे किसको मार दिया? वो बंदा दिख गया मुझे, दिख गया। मेहदी को मार दिया मैंने, वो डायरेक्ट किल हुआ। ये पीछे मार से कौन करियो आ रहा है? मार, अबे पीछे से आ रहा है। एनिमी तो स्पॉटेड बहुत थे यार। फॉर रियल दिस टाइम। ठीक है, M1 है इधर, एमओ पड़ी है। ये सिक्योर है, ये चलो तुम्हारा कुछ करो। सिक्योर कर दिया। चलो फिर उदा, ये बंदा कूदा नीचे। हाँ हाँ आ कूद, तो गाइज यहाँ पे तीन लौंडे होते हैं, जिसमें से भैया हमें सिर्फ इधर एक ही का किल मिलता इधर है, और एक एक तीनों के हिस्से में आ बंदा जाता बंदा है। बंदा तो इनको मारते हैं, इनको मारने के बाद बहुत ज़्यादा होती है, इनकी लूट वगैरह करेंगे, मतलब काफ़ी अच्छी लूट लेके बैठे हुए थे लौंडे, और लूट हमें चाहिए थी। एक लूट एक वूट था करने के उधर बाद भाई पड़ा हुआ। हम वहाँ से निकलते हैं, बंदे ढूंढते 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 ढूंढते। तो यहाँ पे हमें एक बाइक जाती हुई मिल दिखती है, गया, तो हम उसके पीछे लगा देते हैं, यहाँ पे जाती हुई रुकती है, तो चल साले। लेकिन इसका किल हमें नहीं मिलता, हमारे टीममेट इसका किल उठा लेते हैं। तो फिर वहाँ से हम निकलते हैं, यहाँ पे फायर होती है, तो यहाँ पे हम जाके एक डायरेक्ट से पुश आता करते हैं, स्पॉट है, और यहाँ पे पुश करते हुए थोड़ा सा अभी आपने देखा होगा स्टार्टिंग में ना, कि मैं जैसे ही मतलब मैं गाड़ी से एग्जिट करा तो मेरा एम बिल्कुल उसके ऊपर था, लेकिन फायर साले नहीं हुआ। ऊपर ये के कई ऊपर बार क्लिक यार मेरे किया साथ हो भाई, जाता है, फायर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ लेकिन नहीं होता। तो अभी यहाँ पे हम अबे इसकी इनमें लूट फाइट नहीं वगैरह हो रही करते हैं, अच्छी तरह और से। और ये देखिए आप, मेरे ख्याल से ना इन्होंने अबे फ्लेयर वगैरह चलाई भी ये होती तो है, मुझे फाइट सही ले से रहा है, याद नहीं ऊपर है। से जो है ना तो गोलियां इनकी चला लूट रहा है, वगैरह घूम करने रहा है के बाद इनके भाई अंदर। हमारे ऊपर एक और गाड़ी आ जाएगी, वो गाड़ी भी हम पे कर देगी पुश, और लेकिन उनकी भी हम टांगे लगा देंगे छत से। तो हाँ मेरे बहुत ख्याल आगे से आ रही इन्होंने है, शायद आ फ्लेयर रही है, मंगवाई आ होगी, रही आ और रही ये है। अभी गाड़ी आ चुकी है, हमें रश करना है। बंदे ऊपर गए, अबे मेरे लिए तो फाइट फिर मारो, इस ठीक है भाई। स्क्वाड का भी हम कबाड़ा कर देते हैं, अबे और भाई इसके सारे बाद यहाँ पास पे इनके लूट पास वगैरह है, करते हैं, इनकी लूट वगैरह करके मतलब जो अच्छी तरह लूट होती है वो करते हैं। और फिर ये लूट इधर वगैरह फेंका करने है। के बाद हम उठा लेते हैं कार 98 और M4, क्योंकि अगर यार मैं अपने स्क्वाड के साथ खेल रहा हूँ तो मैं, चल मैं चलाऊं, अगर मूड होता है तो मैं स्नाइपिंग वगैरह नहीं नहीं करता सही हूँ, रहोगे डैडी अपने अगर को, नहीं ट्राई मूड तो होता कर तो लेंगे भैया हम भाई। AKM अपने पास रखते गाड़ी हैं। चेंज कर रहा अगर हूँ, AKM के अलावा ग्रोजा मिले, ग्रोजा ग्रोजा से भी अगर मिल जाए M249 तो M249, क्योंकि यार कई बार होता है कि हम ना लॉन्ग रेंज फाइट बहुत कम लेते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा हम क्लोज रेंज ही फाइट लेते हैं। तो भी हमारा वो ऊपर बंदा जोन था दूर, मतलब हमें ब्रिज क्रॉस बदमाश, करना, तो यहाँ पे बड़ा मज़ा आने वाला है। अभी देखना होगा क्या यहाँ पे भाई गाड़ियाँ लगा के लोहा बैठे काम हुए है हमारी। होंगे, वो ब्रिज और कैमरे ठीक है देखना भाई, होगा क्या, मज़ा आएगा काफ़ी। एक बंदा हटाओ गाड़ी, आगे भी यूएस खड़ी हुई है काफी आगे, राइट हैंड पे पीछे डासिया। अबे
मार कहां से रहा था? अबे भाई ऊपर से मार रहा है बंदा, यहां पर ऊपर है वो, अबे यार तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे टीममेट के साथ प्रैंक। जो भाई होता है ये अलग किस्म की कोई कैंपिंग करके बैठा होता है यार, भाई जोन वहाँ का है, ब्रिज कैंप वहाँ पे जाके करना चाहिए। तू यहाँ पे खड़ा हुआ है, यहाँ पे वो भी ऊपर चढ़ के मज़े से कैंपिंग कर रहा है। तो हमारे जो दोनों टीममेट होते हैं इसको नॉक कर देता है, लेकिन मुझे दिख जाता है जो फिर हमें इसको मार देता हूँ। तो ये भाई सब नंगे नंगे इधर ही घूम रहे थे नॉक होके, तो उसके बाद हम हील वगैरह करते हैं। हील वगैरह करने आगे भी दो लौंडे भाई नफ्सियाती किस्म के, वो भी आगे दो लौंडे होंगे हमारा ब्रिज कैंप करके बैठे होंगे। और वो भाई जोन देखो, जोन आ रहा है ना, तो अब जोन में जा रहे होंगे। उन्होंने ना आगे देखना है ना पीछे देखना है, भाई सीधा जोन में जा रहे हैं कि क्या पता पीछे फाइट हो रही थी, गाड़ी आए लेकिन ना भाई ना। और इसको मैं इतना डैमेज दूंगा लेकिन हमें किल नहीं मिलेगा भी आपको। जोन जोन रोक 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 मार इन लोगों। उसे मैंने 1 HP कर दिया था, मुश्किल से 1 HP होगा, लेकिन भाई साहब हमारा किल हो गया चोरी। और यहाँ पे भी भाई मेरा इतना डैमेज होगा, मतलब 50% या 70% मैं इसकी हेल्थ ले गया था, लेकिन यहाँ पे भी हमारा हो जाएगा किल चोरी। तो ये बिल्कुल यह गाड़ी के पास आ गई, 1 2 3 4 5 तकरीबन 4 बुलेट उसको मेरी लगी हैं, और 4 में 50 से 70% आराम से हेल जाती है अगर आप टांग पे भी मारो तो। लेकिन ये भी हमारा हो गया किल चोरी। और इसके बाद लास्ट बंदा था तो हम यहाँ से निकल गए, हमें आखिरी बंदे को ढूंढना था। तो ड्रॉप हुआ, हमने बोला पहले जाके ड्रॉप लूटेंगे, क्योंकि क्या पता पॉइंट वॉइंट बढ़ते हैं भाई ड्रॉप लूटने से भी। तो मैंने थोड़ी सी ये फास्ट कर दी थी, क्योंकि फिर ज़्यादा बोर हो जाओगे, वो फाइट वगैरह वाला सीन कोई नहीं है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे ड्रॉप आया, और ड्रॉप पे जैसे ही हम आते हैं तो भाई हम पे पीछे से होता है फायर। और ये भाई साहब भी फायर करके अपनी लोकेशन दे देते हैं और खुद आ जाते हैं खसारे में। तो फिर हम ड्रॉप वगैरह लूटेंगे और अभी हम पे हो जाएगा फायर। और जैसे ही फायर होगा भाई, वो भाई साहब मतलब यहाँ पे भी किल चोरी नहीं कह सकते इसे, मतलब हमारे टीममेट ने पहले स्पॉट कर लिया जिसकी वजह से वो ले गए, हमने थोड़ा लेट करा। मुझे जैसे ही स्पॉट होता है और वो भाई साहब मैं शॉट मारता हूँ, मतलब ऑलमोस्ट हेड पे ही होती है, तो वो भाई साहब ले जाते हैं। तो गाइस अगर गेम प्ले अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और दुआओं में याद रखना।